उत्तराखंड में आगामी दिसंबर के महीने में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने इस बार राज्य में निवेश के लिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से निवेशकों के साथ में संपर्क कर समिट से पहले ही राज्य में निवेश के लिए अभी तक 90,000 करोड़ के MOU साइन कर चुके हैं, जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री धामी के द्वारा 90,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि समिट के दौरान हमारी सरकार लक्ष्य से अधिक निवेश लाने में सफल होगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस को जब कुछ दिखाई नहीं देता तो प्रकार के बयानबाजी करते हैं। आखिरकार सरकार के तंत्र जब कोई चीज तय करता है तो उसके अंदर सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, लाइन की व्यवस्था बनाई जाती है, उद्यम पहले भी स्थापित हुए हैं। एक बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए, इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सब से संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर माह में ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे।